Now students, today it's your maths period, and in maths period today we will learn addition with the help of fingers. बेटा आप लोग बड़े से बड़े नंबर को एड करना फिंगर की मदद से सीखेंगे. अभी आप लोग क्या करते थे, जब मैम आपको वर्क देती थी तो आप, जब मैम मान लीजिए आपको देती थी 6 + 2, आप क्या करते थे, ऐसे 6 लाइन ड्रॉ करते थे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2, देन यू विल काउंट ऑल द लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन यू राइट हियर 8. बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू एड विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. और ज्यादा से ज्यादा नंबर को ऐड करना है, बट कोई मेहनत नहीं करनी है. आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा. एडिशन हॉरिजॉन्टली आज मैं सिखा रही हूँ. आप हमारे पास मान लीजिए नंबर है 7 + 3 = what. फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा 7 है, 7 है ना, और सेकंड हमको क्या उसमें ऐड करना है, 3. कल आप लोगों को मैंने ऐड ऑन नंबर लाइन सिखाया था. नंबर लाइन पे आप लोग ऐड करना सीखे थे कल, यस्टरडे was your math period and I have taught you add on number line, but today you have to learn addition with the help of finger. Aapke paas first number hai 7 aur second number hai 3. Hame first number ko kuch nahi karna hai, just second number hame add karne bol raha hai ki 7 + 3 means 7 mein 3 ko add kijiye. Hum only 3 finger nikalenge. Kitne finger nikalenge? 1 मिनट बेटा. आप लोगों को ये बोर्ड दिख रहा है, श्यान सॉरी मैं दिख रही हूँ आप लोगों को, ओके. अरायना आपका नेटवर्क इशू चल रहा है, प्लेस चेंज कर लीजिए बेटा. आप जिस रूम में हैं उस रूम से दूसरे रूम में चले जाइए, ओके ओके. वैष्णवी को भी मैं दिख रही हूँ. नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपका 7 है फर्स्ट नंबर, और इसमें कह रहा 3 को आप एड कीजिए. कुछ नहीं, सिंपली वी हैव टू काउंट ओनली 3, वी हैव टू शो ओनली 3 फिंगर्स सिर्फ हम यहाँ बाहर रखेंगे, ठीक है. नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 7. 7 के बाद 3 काउंट करना है, मीन 7 के बाद 8 9 10. तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 10, ओके. नेक्स्ट 5 + 0 = what. अब हमारा यहाँ क्या कह रहा है, 5 के बाद 0 ऐड करना. आप सभी को मैंने बताया है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0 ऐड करने से, एक मिनट में पूछना चाह रही हूँ. श्यान से, श्यान अनम्यूट योर सेल्फ. Shayan, tell me, unmute yourself and tell me, when we add 0 in any number, what will be the result? हमारा क्या होगा add करने के बाद? 5. क्योंकि 0 में जब भी किसी number, 0 किसी भी number में add होता है तो वही number हमारा same number रह जाता है. ये मैं बताई थी ना आप लोगों को, बताई थी ना बेटा? Yes ma'am. Okay. तो हम यहाँ 5 मीन्स एक भी उंगली हमें बाहर नहीं रखनी है, 0 0 मीन्स कुछ नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा 5. नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ, बड़ा से बड़ा नंबर को आप देखिए. मान लीजिए कि आपको ऐड करना है 40 + 7. आप सोचोगे 40 और 7 कैसे फिंगर निकालूं, है ना. 40 में 7 को, मीन 40 फिंगर्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, वी हैव टू डू नथिंग, ओनली 7 फिंगर्स हम निकालेंगे. देखिए 5 और ये 2, 7 है, 7 फिंगर्स है. अब हम 40 के बाद स्टार्ट करेंगे काउंटिंग. काउंटिंग सभी को आती है, 41 42 43 44 45 46 47, है ना. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे,
47 है ना, इजी इजी है ना, बताइए मैम। इजी है, इजी है। तो अब मैं क्या आप लोगों से पूछ सकती हूँ किनको किनको समझ में आया? बेटा नहीं समझ में आया हैंड रेज कीजिए या बताइए कि मैम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं दोबारा यहाँ समझाऊंगी, बट समझ में आ गया तो मैं अब आपसे पूछूंगी। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? ओके एक मिनट। नो मैम, वैष्णवी पटेल बोली नो मैम, नहीं प्रॉब्लम। आयत आप समझ, आयत को नहीं समझ में आया? आयत आपको नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं आयत को समझा रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मिनट बेटा। आयुष, आयुष कुमार या आयुष सिंह, किनको नहीं समझ में आया? आयत को मैं समझा लेती हूँ पहले। आयत ध्यान से देखिए, ठीक है आयत, आप बोर्ड पर और मेरी फिंगर्स पर ध्यान दीजिएगा और अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। आयत अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आयत, ये क्या नंबर मैंने लिखा है बोलिए? सिक्स। ये क्या साइन है? एड का साइन है, एड करना है मुझे। और कितने नंबर्स हैं? ये क्या है? फोर। मीन्स किस किस नंबर को एड करना है? सिक्स को और फोर को। किस नंबर को ऐड करना है? सिक्स में कितना ऐड करना है? फोर। ऐसे करेंगे, सिक्स को छोड़ देंगे यही, ठीक है। ये कितना लिखा है? फोर। फोर फिंगर्स आप अपनी निकालिए, अपनी फोर फिंगर निकालिए, ऐसे निकालिए। फोर फिंगर है ना, वन टू थ्री फोर, इधर देखो ऐसे निकालो और थोड़ा ऊपर करो, मुझे दिखेगा, और स्क्रीन पे ऊपर करो। हाँ चलो, अब यहाँ क्या लिखा है? ये क्या है? क्या है ये आयत? ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? सिक्स। और आपके पास कितने निकले हैं यहाँ? फोर। निकालिए अपनी उंगली, दिखाइए स्क्रीन के पास, फोर। चलिए अब काउंट कीजिए, सिक्स के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और इस तरह मोड़ते जाइएगा। रुकिए, सिक्स के बाद अपनी उंगली निकालते जाओ। चलो सेवन, स्क्रीन के पास अपनी फिंगर्स लाओ बेटा, स्क्रीन के पास अपने फिंगर लाओ। हाँ ऐसे रखो, ऐसे रखो उंगली। हाँ चलिए सेवन, सेवन उसके बाद, सेवन के बाद एट, उसके बाद नाइन, नाइन उसके बाद टेन। क्या हुआ? सिक्स प्लस फोर क्या हो गया आयत? टेन। टेन, समझ में आई बात? समझ में आई? ये हो गया हमारा टेन। चलिए एक बार फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइएगा। चलिए आयत बताइए, हमें कितने फिंगर्स निकालने होंगे? नंबर क्या है हमारा? फाइव। थ्री। थ्री, चलिए कितने फिंगर्स हमें निकालने होंगे? फाइव। नहीं, छोटे छोटे जो नंबर होते हैं ना बेटा, उसको निकाला जाता है, बड़े वाले को छोड़ देते हैं, छोटा होता है क्योंकि वो आसान होगा ना काउंट करना। क्यों? क्योंकि काउंट करना आसानी होगी, इसलिए जो नंबर छोटे होते हैं उसे हम करते हैं, निकालते हैं। कितनी उंगली निकालेंगे? थ्री। निकालिए थ्री उंगली अपनी।
चलिए अब कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, किसके बाद काउंटिंग हमारा होगा? फाइव से। चलिए स्टार्ट कीजिए फाइव के बाद। जैसे मैम ने सिखाया है फोल्ड करते जाइएगा, उंगली काउंट करते जाइएगा और फोल्ड करते जाइएगा। बोलिए फाइव के बाद, बोलिए आयत उधर मत देखिए, इधर देखिए मैम को। चलिए फाइव के बाद स्टार्ट कीजिए। फिंगर ऐसे रखना है बेटा। चलिए फाइव के बाद क्या होगा? सिक्स। तो फोल्ड करो, जो सिक्स बोली तो एक उंगली को फोल्ड, एक उंगली को फोल्ड करना है जिसको सिक्स बोले हैं। सिक्स जिसको हमने बोला उसे फोल्ड करना। सिक्स हाँ। उसके बाद सेवन। सेवन उसके बाद एट। एट तो क्या होगा, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। एट अब समझ में आ गया। घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क, आप कीजिएगा। बाकी सभी को समझ में आ गया है ना बेटा? अब मैं सबसे एक एक करके पूछूंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो बड़ा नंबर रहेगा उसे हम उंगली नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर की उंगली जब निकालेंगे, दोनों में जो छोटा होगा उसे निकालेंगे तो काउंटिंग में आसानी होगी। जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे हमें कहेगा 54 प्लस 5, तो कौन सी उंगली निकालना आसान है? 54 हम कितना काउंट करेंगे, 5 उंगली तो निकालना आसान है ना, 5 उंगली निकालना आसान है। तो हम 54 के बाद 5 काउंट करेंगे, 55। और इस तरह ध्यान दीजिएगा, मिस ना हो इसलिए अपनी फिंगर को फोल्ड करते जाइएगा, काउंट कीजिएगा, फोल्ड कर दीजिएगा। 55 56 57 58 एंड 59। तो हेयर आंसर इज 59। तो बेटा आप लोग सारे लोग समझ गए हो मुझे पता है। अब मैं जितना जितने बच्चों से हो पाएगा मैं जरूर पूछ लूंगी, ये मत कहिएगा फिर नेक्स्ट क्लास में भी नेक्स्ट दिन मैं पूछ लूंगी। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा मुझसे मैम। ओके सान्या को नहीं समझ में आया, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सान्या को नहीं समझ में आएगा। तान्या तो मुझे दिख नहीं रही है। प्रिय रंजन को नहीं समझ में आया? प्रिय रंजन अभी मैंने दो एग्जांपल और बताया तो भी आपको नहीं समझ में आया? प्रिय रंजन आपको नहीं समझ में आया बोलिए। अभी मैंने आयत को भी टू एग्जांपल्स और बताए तो भी आपको नहीं समझ में आया? प्रिय रंजन प्रिय रंजन अनम्यूट होइए और जल्दी बोलिए, अनम्यूट हो जाओ। नो मैम। क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, क्या नहीं समझ में आया? यहाँ क्या है नंबर, ये क्या लिखा है मैम ने? सेवन। ये क्या का साइन है? एड। ये क्या है? फोर। और सारे बच्चे लिखते लिखना है तो लिखते भी जाएंगे, नहीं तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब हम यहाँ मैंने जो बताया है, मैं कितनी फिंगर यहाँ, आप कितनी फिंगर अपना शो करेंगे, आप यहाँ कौन सा कितनी फिंगर शो करेंगे ये बताइए। सेवन। क्यों? मैंने अभी क्या बताया कि जो ग्रेटर, सेवन और फोर में ग्रेटर कौन है? इससे पहले मैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी आप लोगों को बताई हूँ ना। Yes, ma'am. तो सेवन और फोर में ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है? Which one is greater? Seven greater है।
सेवन ग्रेटर है, तो मैम क्या बोली थी कि स्मॉलर नंबर की उंगली हम शो करेंगे, स्मॉलर कौन है इसमें? फोर। फोर, तो हम कौन सी फिंगर, कितनी फिंगर शो करेंगे ये बताओ। पढ़ाई करते वक्त हिलते नहीं है, पढ़ाई करते वक्त हिलते नहीं है, आराम से बैठिए। हाँ अब बोलिए कितनी फिंगर हम निकालेंगे यहाँ? फोर। फोर, अपना आप निकालिए, शो कीजिए फोर फिंगर, कैसे दिखाओगे बताओ। चलिए स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए। चलिए अब काउंटिंग कितने के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम? फोर के बाद। किसके बाद? फोर फिंगर भी निकालेंगे और फोर के बाद काउंटिंग, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जो ग्रेटर नंबर होता है उसके बाद। इस चीज का ध्यान रखना, हमारा जो ग्रेटर नंबर होता है उसके बाद हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, और जो स्मॉलर नंबर होता है उतने फिंगर्स हमको निकालने होते हैं, शो करने होते हैं, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो हमारा यहाँ ग्रेटर नंबर कौन है? सेवन। सेवन, और हमारा यहाँ स्मॉलर नंबर है फोर, तो हमने यहाँ फोर फिंगर को शो किया, निकाला। अब हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फोर से। बेटा बड़े नंबर से स्टार्ट होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बड़ा नंबर कौन सा है? सेवन। तो सेवन के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, सेवन के बाद क्या होगा? काउंटिंग, काउंटिंग स्टार्ट करो ना, सेवन के बाद क्या होता है? सेवन के बाद एट, एट, नाइन, नाइन, टेन, टेन, इलेवन, इलेवन, तो सेवन प्लस फोर क्या हो गया हमारा? इलेवन। यस, वेरी गुड। नाउ माही, माही अनम्यूट योरसेल्फ, प्रिय रंजन म्यूट कीजिए अपने आप को। माही बताएगी, बोलिए माही। माही यहाँ क्या लिखी है मैम? थ्री। क्या है? माइनस। क्या है बेटा ये कौन सा नंबर है? सेवन। सेवन, तो सेवन थ्री है और सेवन है, तो इसमें ग्रेटर कौन है? अरायना, मैं माही को समझा रही हूँ, समझिएगा ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, थ्री है और सेवन है ठीक है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है? सेवन। सेवन, हम कितनी फिंगर निकालेंगे ये बताइए? सेवन। नहीं, मैं बार बार बोली हूँ, जो छोटा है उतनी फिंगर निकालेंगे, इसमें छोटा कौन है? थ्री। कितना फिंगर निकालेंगे? निकालो, दिखाओ मुझे। चलिए अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? मैम फोर से। फोर से क्यों होगा? बड़ा नंबर क्या है? सेवन। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? काउंटिंग स्टार्ट होगी सेवन के बाद, काउंटिंग स्टार्ट होगी सेवन के बाद, काउंट स्टार्ट करो। एट, एट, नाइन, नाइन, नाइन के बाद टेन, तो सेवन प्लस थ्री क्या हो गया? टेन। टेन, नाउ अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत अनम्यूट योरसेल्फ, माही म्यूट कर लो अपने आप को। ओके मैम। बोलिए बेटा अनिकेत। आपको
अनम्यूट कीजिए। बेटा आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। ठीक है, नंबर क्या है यहाँ ये बताइए। फोर। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? एट। ऐड करना है किस नंबर से? फोर। फोर नहीं नहीं एट। विच वन इज ग्रेटर, एट और फोर? एट। एट, देन हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव टू काउंट टू हैव टू सो सॉरी हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव टू सो फोर? वेरी गुड, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट काउंटिंग। नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। Very nice, very nice. Means 8 plus 4 is equal to 12. Next, Araina. Unmute yourself. Araina. Araina, unmute yourself. कहाँ है बेटा आप? Unmute कीजिए अपने आप को। Yes, ma'am. Okay. बताइए। बेटा यहाँ देखिए क्या क्या नंबर है बताइए। हाँ, तो कौन सा नंबर हमें शो करना होगा, कितने फिंगर्स हमें शो करने होंगे और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी बताइए। हाँ स्टार्ट कीजिए, शो कीजिए फिंगर अपना, स्टार्ट कीजिए काउंटिंग। सेवन। यस। एट। वेरी गुड। नाइन। वेरी नाइस। टेन। वेल डन, वेल डन अराइना, तुम तो समझ गई बेटा। नाउ नेक्स्ट सान्या, सॉरी हाँ सान्या अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अराइना बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। सानिया बोलिए। मैम थ्री। थ्री और क्या है? फोर। तो कितने फिंगर हम फोर निकालेंगे, कितने फिंगर? थ्री। चलिए थ्री। हाँ काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, किसके बाद काउंटिंग होगा हमारा स्टार्ट? वन। नहीं नहीं नहीं, नंबर क्या है यहाँ? फोर। तो किसके बाद? फोर के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी। चलिए फोर के बाद काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। नो नो नो, फोर के बाद, फोर के बाद क्या होता है? फोर के बाद फाइव। फाइव देन सिक्स। सिक्स देन सेवन। वेरी गुड। So, 3 plus 4 is equal to 7. 7.